गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास, आज हम लोग लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आपको अपनी बुक में पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा। ठीक है, हम वोकैबुलरी जंक्शन और ग्रामर जंक्शन दोनों कंप्लीट करेंगे। वोकैबुलरी जंक्शन का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड मीन्स दो ऐसे वर्ड जो अलग अलग होने के बाद जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नया वर्ड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है RAIN रेन प्लस COAT कोट। रेन अलग वर्ड है और कोट अलग वर्ड है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे यानी एक साथ जोड़ेंगे तो कौन सा नया वर्ड बन जाएगा? रेनकोट। ठीक है, पेज नंबर 38 पे देखना है इसके एग्जाम्पल, आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद SUN सन, सन एक अलग चीज है, प्लस FLOWER, फ्लावर। फ्लावर एक अलग वर्ड है। तो सन और फ्लावर दोनों को जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो एक नया वर्ड बनता है सन फ्लावर। TIME टाइम प्लस TABLE टेबल। टाइम प्लस टेबल इज इक्वल टू टाइम टेबल, एक नया वर्ड बन गया। ठीक उसी तरीके से TOOTH प्लस पेस्ट, PASTE पेस्ट, जिसे हम दांत ब्रश करते हैं वो वर्ड बनता है टूथपेस्ट। लास्ट वर्ड है BATH बाथ प्लस RWM रूम। दो वर्ड्स अलग हैं, एक साथ मिलकर क्या बन गया? बाथरूम। ठीक है, तो जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, दो अलग डिफरेंट वर्ड मिक्स होकर एक नया वर्ड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। और ये था हमारा वोकैबुलरी जंक्शन का। अब आ जाइए ग्रामर जंक्शन पे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड वर्ड्स से रिलेटेड टॉपिक है वो आपको पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 पर मिल जाएंगे। तो इन एक्सरसाइजेस को फिल करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब इसके बाद आप ग्रामर जंक्शन पर आए पेज नंबर 43। ग्रामर जंक्शन पेज नंबर 43। ओके, इसका टॉपिक है एडवर्ब। ग्रामर जंक्शन में आप एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, एडवर्ब जिस तरीके से नेमिंग वर्ड आपने पढ़े थे, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, किसी का भी नेम नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन कहलाता है। और उसके बाद आपने प्रोनाउंस पढ़े थे कि नेमिंग वर्ड की जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, यू, आर, वो प्रोनाउंस होते हैं। इसके बाद आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़े थे ना, लेसन नंबर 7 में हमने पढ़े थे डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो कि नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज रहती हैं उनको डिस्क्राइब करता है, जैसे कि लिटिल, सॉफ्ट, स्वीट, बिटर, ब्यूटीफुल, ये सारे वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। अब एडवर्ब अगर हम पढ़ेंगे तो एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके एडजेक्टिव्स को और ज्यादा आपके वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं और ज्यादा अच्छे से, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। अब यहाँ पर मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक में बनाऊंगी मैं एक्शन वर्ड जिसे कि आप वर्ब कहते हो। वर्ब यानी क्रिया, जो भी काम हम करते हैं उसे वर्ब कहा जाता है। छोटी क्लासेस में आपने उन वर्ड्स को एक्शन वर्ड्स के नाम से पढ़ा है। और यहाँ पर मैंने आपको दिया एडवर्ब, दो कॉलम बनाए हैं, एक एक्शन वर्ड्स का और एक एडवर्ब। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं यानी कि जिन्हें हम वर्ब कहते हैं, कौन कौन से एक्शन हम करते हैं? रन, दौड़ना, राइट, लिखना, वॉक, चलना, स्विम, तैरना, रीड, पढ़ना, ईट, खाना। ठीक है, ऐसे बहुत से एक्शन हम लोग करते हैं। अब इस एक्शन को आप किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत फास्ट कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो ये जो आपके
वर्ड्स होते हैं जो आपके एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं आप उसे किस तरीके से कर रहे हैं, सेफली कर रहे हो, क्विकली कर रहे हो, नीटली कर रहे हो, वो कहलाता है आपका एडवर्ब। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा रन फास्ट प्लस एल वाई, क्या वर्ड बन गया फास्ट, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। जिसके पीछे एल वाई आए वो आपका एडवर्ब वर्ड होगा, ये याद रखना ठीक है। राइट केयर प्लस फुली, केयरफुल प्लस एल वाई, तो ये हो गया आपका केयरफुली, यानी कि लास्ट में एल वाई आ रहा है, एल वाई यानी एडवर्ब। वॉक स्लोली, स्लो प्लस एल वाई इज इक्वल टू स्लोली एडवर्ब। स्विम सेफ, सेफ प्लस एल वाई इज इक्वल टू सेफ। Read properly, proper plus ly, properly. Eat quickly, quick plus ly, quickly. Quickly यानी कि जल्दी जल्दी। एक्शन वर्ड्स रन राइट वॉक स्विम रीड ईट, यानी जो भी काम आप करते हैं वो एक्शन वर्ड होते हैं। और एक्शन वर्ड की क्वालिटी यानी उसको और अच्छे से कैसा कर रहे हैं, किस गति में वो हो रहा है, किस तरीके से वो हो रहा है, ऐसे वर्ड होते हैं एडवर्ब, जिनके पीछे हम एल्वा लगाते हैं। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो कि जिनके पीछे एल्वा लगा हुआ है वो एडवर्ब्स हैं। जैसे कि फास्ट प्लस एल्वा है फास्टली, केयरफुल प्लस एल्वा है केयरफुली, स्लो प्लस एल वाई स्लोली, सेफ प्लस एल वाई सेफली, प्रॉपर प्लस एल वाई प्रॉपरली, क्विक प्लस एल वाई क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इस चैप्टर में दो टॉपिक्स पढ़े हैं। पहला टॉपिक है कंपाउंड वर्ड और दूसरा टॉपिक है एडवर्ब।